तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जूबा। तो गाइस देखो, आज वाली वीडियो में खेलने वाला हूँ टर्की स्टीव से, मतलब स्टीव से खेलने वाला हूँ। और यही मेरी लास्ट करेक्टर है, मतलब मैंने 20 करेक्टर हैं इसमें, तो सबसे खेल लिया है कि एक बार स्टीव है, जो कि आज मैं कंप्लीट कर दूंगा स्टीव से भी। फिर उसके बाद हम ऐसे रैंडम स्क्वायर से या फिर ऐसे खेलेंगे करेक्टर, जो भी हमारे मन में आएगा उस वाले करेक्टर से खेलेंगे। तो ये हमारी स्टीव करेक्टर है जो कि लास्ट बची हुई है, तो आज वाली वीडियो में ऐसे खेलने वाला हूँ। और सोलो स्टैंडर्ड वाला मैच चल रहा है तो ऐसे खेलेंगे। और आइटम्स मैंने इस पर लगा रखे हैं, इनफिल्टेबल, वैम्पायर टी, नाइट्रोबो, एडलेंस, और ये काफ़ी अच्छे आइटम रहते हैं स्टीव पे मेरे हिसाब से। तो चलो देखो, फिर मेरा मैच स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर स्टीव के साथ सोलो स्टैंडर्ड वाला। तो कहते देखो, सबसे पहले मैं उतरूंगा यहाँ पर गार्ड वगैरह के पास, जिससे कि वाई साहब पहले गोल्डन येलो येलो वाला पेपर मिल गया, यानी गोल्डन पेपर मिल गया मेरे को। और यहाँ पर पेपर और शॉर्ट गन और रह गया। और कहते देखो, कमेंट कर करके बताना किस लोगों किन लोगों को स्टीव ज़्यादा पसंद है, क्योंकि स्टीव यार मैं अपनी बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि स्टीव यार मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। इसके खेलने की स्टाइल पता नहीं, बहुत सारे लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है, पर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है स्टीव। और कहते देखो, कमेंट करना बताएगी और कमेंट करना कि और कौन कौन से करेक्टर काफ़ी अच्छे लगते हैं तुम लोगों को। मुझे पता है स्टीव और जेड तो बहुत सारे लोगों के फेमस होंगे, मतलब फेवरेट होंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, मेरा जेड तो मेरे को भी अच्छा लगता है, बट स्टीव इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता। यहाँ पर शॉट गन इतनी बेकार मिली है, चलो शॉट गन भी दूर से कहीं, एक हेल्थ किट है, चलो ठीक है, आराम से खेलेंगे। यहाँ पर एक और मेरे को एक गार्ड की ज़रूरत और है। ये कौन है जो बैरल बैरल खेल रहा है यहाँ पर? अरे ये क्रैब है, क्रैब ने मुझे खींचा, पर उड़ते मैं नहीं खींच सकता ये क्रैब मुझे, अभी मरने वाला है। एक दो हिट का रह गया है, सॉरी क्रैब, बट आपका समय आ चुका है। तो इस क्रैब का समय आ चुका है। वो भाई कितना तेज चल रहा है यार, ये क्रैब गया, इसका समय आ चुका था तो ये कुछ नहीं कर सकता था। और यहाँ पर कौन बैरल बैरल खेल रहा है? तो चलो बढ़िया है, बैरल मैं ले लूँगा पीछे वाला। और यहाँ पर मेरे को हेल्थ किट भी मिल चुकी है, बेपन भी मिल चुके हैं, दोनों हेल्थ किट भी हो चुकी हैं, और शॉट गन भी मिली गई है हेल्थ फ्लार। और इसके अंदर कोई गया तो उसे देख लेते हैं। और यहाँ पर एक जेड के पास लेजेंडरी शॉट गन है, तो वो भी मेरे को लेनी है। तो यहाँ पर कौन है? लेवल 7 का बंदा है। मेरे पास अभी ट्रॉफीज़ कम है, इसलिए इतने छोटे छोटे बंदे आ रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ पर बंदर है, तो बंदर को मार के आते हैं। एक मिनट, बंदर कहाँ है? बंदर भाग चुका है यहाँ से, ठीक है, बंदर भाग रहा है, तो देखते हैं बंदर को बाद में मारेंगे। एक मिनट, आ जा आ जा आ जा, बस 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 आ जा बंदर भाई, अब कहाँ जाओगे तुम? मुझे पता था बंदर भाई अब कहाँ जाएंगे। एक मिनट, इस स्टीव को भी देखना पड़ेगा, इसके पास हेल्थ किट है ना? ओ सॉरी, हेल्थ किट नहीं, इसके पास है अपनी लेजन डिसन। ओ दोनों एक साथ उड़े हैं। ओ ये बच के भाग रही है, एक मिनट, ये बच के भाग रही है ऐसे ऐसे, ये भाग क्यों रही है बच के मुझे नहीं पता। एक मिनट, ये ऐसे उड़ेगी, मुझे पता है ये भी ऐसे उड़ेगी, पर ऐसे कोई दिक्कत फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा हुई तो फ़ायदा नहीं है ऐसा। अभी देखो एक और बार मर जाएगी, बस अब ये मरने वाली है, क्योंकि इस पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस पर लेजन डिसऑर्ड करना है तो मेरे को इसे मारना पड़ेगा। देखो उसकी टाइमिंग थी कि वो उड़ना चाहती थी, पर वो उड़ नहीं पाई, पहले उड़ना चाहिए था उसे। पहले ये बंदा कौन आ रहा है? ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, गुस्सा हो रहा है कि मैंने बैरल रख दिया इस वजह से। वो मेरे पास एक भी हेल्थ किट नहीं है, इस बंदर को मारना पड़ेगा। सॉरी भाई बंदर भाई, इधर आओ जरा, इधर आओ इधर आओ, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, तुम्हारी हेल्थ किट चाहिए इस वजह से। इस बंदर को घास में नहीं जाने देना, बंदा तो भाग जाएगा बच के। मर गया यार, बहुत ही ज़्यादा एंड पॉइंट पर मरा था स्टीव से। यार मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा किफ़ायत से खेलता हूँ यार, क्योंकि स्टीव मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं मर जाऊँगा हाल इस वजह से। और जैसा कि अभी अभी मैं बचा एक एक, मेरे पर दोनों हेल्थ किट थी तब भी, तो देखते हैं भाई इसमें एक बंदा और बचा हुआ है, वो कौन है? ओके, तो यहाँ पे एक बंदा बचा हुआ है, वो है जेड। तो अब थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। नहीं 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 शायद जेड नहीं है, कोई और है। एक मड़िया बैरल में खेल रहा है ये, ये कौन है? पता नहीं यार कौन है ये, शूज़ वगैरह भी लगा गया है, बड़ी है कौन देखना पड़ेगा, अभी पता चलती है। ये देखो, ये अपना शायद मौली लग रही है मेरे को, ये जैसा इसने अभी बचा ना, तो हाँ मौली है, मैंने कहा था ये मौली लग रही है मुझे, तो मौली है जुमान जी। चलो गई है मौली, ये मौली भी गई। तो चलो गाइस देखो, ये वाला मैच मैं स्टीव से जीत चुका हूँ यहाँ पर 7 किल के साथ। तो गाइस देखो, अब मैं खेलूँगा किसी अपने और कोई करेक्टर से, क्योंकि स्टीव से यार मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं एक ही मैच खेलने वाला हूँ स्टीव से। और गाइस कमेंट करके बताना कि स्टीव तुम लोगों को पसंद है या नहीं, और कौन कौन सा करेक्टर तुम्हें पसंद है जूगा मैं। तो अब देखते हैं कौन से करेक्टर से मैं खेलूँगा। मैं खेलता हूँ शायद मौली से, खेल लेता हूँ मैं मौली से, खेलता हूँ अब मैं खेलूँगा मौली से, ठीक है। मौली का है ये नहीं मौली अपनी, क्योंकि इसमें मौली अब मेरे को आइटम भी मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगा रखे हैं, और मौली भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता। तो चलो कहते हैं, कोई मेरा मौली से यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है। और मैं सोच रहा हूँ कि लेजेंडरी गार्ड के पास जाना सही रहेगा, या फिर म्यूजियम में भी जा सकते हैं, तो पहले हम म्यूजियम में चलते हैं। अभी वैसे बंदे इसमें जहाँ पर लुई स्टीव उतर रहे हैं, देखते हैं भाई यहाँ पर लुई है स्टीव है, म्यूजियम में अच्छे पेमेंट मिल जाए तो काफ़ी सही रहेगा। और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर 3 के बंदे भी काफ़ी उतरे हुए हैं, और मैं हूँ ग्रैंड मास्टर 2 में, और ये बंदा मेरे साथ कोई, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं पहले ये रहा। तो गाइस देखो, अभी मैं खेला था एक मैच, अभी मैं पहले ग्रैंड मास्टर 3 में था, पर लैग के चक्कर में मैं उसमें आउट हो गया 2 मिनट में, क्योंकि लैग बहुत ज़्यादा हो रहा था इस वजह से। अभी भी देखो रेड सिग्नल है यार, तो भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसमें ये नहीं पता चलता कि लैग में हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो इस वजह से यार मैं उसमें आउट हो गया, तो मेरा ग्रैंड मास्टर 3 लूज हो गया। तो एक मिनट, यहाँ पर पहले हेल्थ किट मेरे हाथ में आ जाए, बस बाकी का तो मैं देख लूँगा। चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अभी सही चल रहा है। यहाँ पर देखते हैं भाई किस किस को हराना है मुझे।
पहले तो इसे हराएंगे फजी को, ये ज़्यादा बदतमीज बन नहीं है तो इस वजह से हार गई। चलो अब मेरे को शॉर्ट गन और चाहिए, ये रही शॉर्ट गन, ठीक है। शॉर्ट गन कहाँ है, यहाँ पर शॉर्ट गन नहीं है, बोरी बोरी बोरी। चलो यहाँ पर देखते हैं भाई कौन कौन बंदे आए हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा था ग्रैंड मास्टर 3 के इसमें काफ़ी बंदे हैं और इसमें बस लैग ना हो तो मैं आराम से जीत जाऊँगा। पिछला वाला मैच में यार लैग होने की वजह से हार गया और ग्रैंड मास्टर 3 मेरी चली गई रैंक, मैं ग्रैंड मास्टर 2 में पहुँच गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम जीत के दोबारा ग्रैंड मास्टर 3 में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं किसी ने बॉम्ब तो फेंका था, पर अब किसने फेंका था ये तो पता नहीं। ओके यहाँ पर देखो फाइट चल रही है, यहाँ पर कोई तो है जो बॉम्ब खेल रहा है। एक मिनट ये कौन है, ओके तो यहाँ पर, अरे वाह उसने भी कांटा रखा था यहाँ पर, देखो भाई नहीं शायद उसने कांटा नहीं रखा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि जेड को छोड़ के चलते हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि जेड अभी यार अपनी घास वाले इलाके में, सवाना वाले इलाके में, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, इस वजह से मेरे को ज़्यादा डैमेज दे देगा, ज़्यादा डैमेज दे देगा। तो मैं उसे अभी लड़ूंगा नहीं इस वाले इलाके में, मैं उसे दूसरे इलाके में लड़ूंगा। ये वाला जेड आया था पर मुझे देख वहीं से वहीं लौट गया उल्टे पैर बिल्कुल। यहाँ पर भी इसे बेटा मरना ही है, क्या कर सकते हैं। एक मिनट हाँ भाई मर गया यार वो बेचारा, कैसे मर गया पता नहीं। अब देखते हैं उसमें बंदे जो ग्रैंड मास्टर 3 के आए थे वो कहाँ हैं, उन लोगों को मारते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के होंगे, बाकी सब तो छोड़। अभी ये क्या है, जो ही ना खुद ने ली थी मुझे लेने दी, मार दूँगा पानी में और डाल दी उसने। चलो अब तो आ गई मेरे पास, कभी कभार जो ऐसा होता है कि यार वेपन ले लेती है पर हमें नहीं देती, ये मैंने ऐसा नोटिस करा है, ये काफ़ी बग है कोई पता नहीं क्या है। अभी ये बंदा मेरे अंदर ही गुस्सा आ रहा है यार, रोने लग गया क्योंकि एकदम गुस्सा चला आया ना, इस वजह से इसने देखा तक नहीं कौन है अंदर। ये माला नाम है इसका, एक मिनट माला। कितने सारे बैरल्स हैं यार इस पर, अभी भी मेरा लैग खराब है हल्का हल्का, थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है बीच में। एक मिनट LG4 रियल, ये कौन है, सुगर पेन। इस बंदे को देखते हैं, लेवल 14 ग्रैंड मास्टर 4 है। एक मिनट हो भाई, क्या कर दिया इसका, फुटबॉल बना दी क्या उसे बेचारी, किसने मारा था इतना बड़ा नॉकबैक उसमें यार। एक मिनट इसके पास अपना नॉकबैक लगा के आइए। एक मिनट ये बंदर है यहाँ पर, ये रास्ता रोके हुआ है तो मेरे को जाना पड़ेगा इस तरफ, क्योंकि उस तरफ वो रास्ता रोक रखी थी इस बंदर ने, अगर मैं उसके पास जाता तो हैवी डैमेज दे देता मेरे को। तो यहाँ पर एक मिनट मेरे को रास्ता रोकनी पड़ेगी इस बंदर की, जिससे कि यहाँ पर ना, ये कौन है, स्टीव है। अच्छा स्टीव क्या कर रहा है, मेरे को फ्लैग दिखा रहा है। ये बंदर तो मरेगा, फालतू में मरेगा ये, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास कोई उपाय नहीं है इसके अलावा, और वो खुले एरिया में तो ये को मर गया। मेरे को पता था खुले इलाके में तो बंदर को मरना पड़ेगा, मैं बिल्कुल सेफ हूँ उससे इस वजह से। अरे ये क्या, ये लेवल 7 का स्टीव, बताओ कितने छोटे छोटे बंदे आ रहे हैं, लेवल 15 का हूँ मैं बता, तब इतने छोटे छोटे बंदे आ रहे हैं। और यहाँ पे कौन कौन है, ओके यहाँ पे है अपनी लेवल 16 की हेनरी, जो कि मर चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे ये दो बंदे कौन है, बैरल खेल रहे हैं ये लोग। ओके यहाँ पे सुगर पेन। इस बंदे को यहाँ पे नहीं आने देना है मुझे, इस बंदे को दूर रखना है लॉबी के, इस बंदे को ऐसे ही मेरे को करता रहना पड़ेगा। मर गई, चलो ठीक है। और कौन कौन है यहाँ पे जो कि बैरल खेलना चाहता है, यहाँ पे यही दो लोग हैं जो कि बैरल खेल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। एक मिनट इन दोनों, अच्छा तीन लोग हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो बेचारी स्टीव है यार उसे मैं मरने नहीं देना चाहता। एक मिनट स्टीव को मैं मरना नहीं देना चाहता, वो चलो बढ़िया बच गई ना, मैं सोच रहा हूँ कि उसे जीत दिला दूँ एंड में इन दोनों को मार के। एक मिनट स्टीव कहाँ है, ओ भाई स्टीव मत मारियो प्लीज़, बस मैं जा रहा हूँ बाय। तो इस वाले बंदे को मैं जताने वाला हूँ लेवल 7 की स्टीप। चलो भाई ये बंदी अपनी जीत गई, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और इतनी देर तक सर्वाइव कर गई, तो मैंने सोचा कि इसी को जिता देते हैं। तो चलो भाई देखो इस वाले मैच में इतना ही, अगर ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करना कि ये वाली वीडियो कैसी लगी। और आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय।